आदित्यनाथ नहीं बल्कि ये नेता है मोदी का उत्तराधिकारी। जनता ने किया है पसंद, क्या बीजेपी बनाएगी उम्मीदवार? नमस्कार, मैं हूं आचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। देश में इस बात को लेकर समय समय पर चर्चा होती आ रही है कि मोदी के बाद कौन सा बीजेपी का वो नेता होगा जिसे बीजेपी पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाएगी। 2024 का चुनाव मोदी के ही चेहरे पर बीजेपी लड़ने जा रही है, लेकिन उसके बाद कौन? वैसे अगर देखा जाए तो विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके, तो क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नेता है जो मोदी का उत्तराधिकारी बन सके? इसको लेकर एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हर कोई यही मानता है कि मोदी के बाद योगी, क्योंकि चाय वाले के बाद गाय वाला ही है जो देश पर राज करेगा। चर्चाएं आम है, लेकिन जो सर्वे कराया गया, जो आंकड़ा सामने आया, वो कुछ और ही। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद नितिन गडकरी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा सरमा, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का नाम जो है सर्वे में शामिल किया गया और लोगों से ये पूछा गया कि मोदी के बाद कौन। लोगों ने जिन्हें अपनी पहली पसंद बनाई है वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह को लोगों ने नंबर वन बताया है मोदी के बाद, उन्हें दिया है 29% वोट। तो दूसरे नंबर पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मिला है 26% वोट, और तीसरे नंबर पर है नितिन गडकरी, जिन्हें मिला है 15% वोट। अब जनता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी के बाद पसंद किया है, तो क्या मोदी के बाद बीजेपी अमित शाह को पीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी? क्योंकि अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए जो बड़े फैसले लिए हैं उसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर किस तरीके के फैसले वो लेंगे। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो जय वीरू की जोड़ी कही जाती है, कृष्ण अर्जुन भी उन्हें बताया जाता है। लेकिन जब मोदी के बाद सत्ता में वो आएंगे तो देश में क्या बड़े बदलाव होंगे, इसकी भी चर्चाएं आम हो गई हैं। वहीं अगर उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और 3% का फासला है, ये फासला 2024 के बाद बढ़ भी सकता है और बदल भी सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद आ भी सकते हैं, लेकिन अगर अमित शाह आते हैं तो क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के तौर पर ले सकते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडिया टुडे का जो ये सर्वे हुआ है, सी वोटर सर्वे, इसमें किस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं इस सर्वे के मुताबिक, तो भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए 306 लोकसभा सीटें हासिल कर सकती है। जी हाँ, वहीं बहुमत का आंकड़ा जो है वो 272 का है। अब ऐसे में अगर बीजेपी को 306 सीटें मिलती हैं तो बहुमत से काफी आगे है। और वहीं जो महागठबंधन बना हुआ है जिसका नाम INDIA रखा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ 193 सीटें जो है वो अपने नाम कर सकती है इस सर्वे के अनुसार। वहीं पर 44 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो इस प्रकार का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी की इसमें से 287 सीटें हो सकती हैं, यानी कि एनडीए का जो गठबंधन है वो तो 306 सीटें लाएगा, लेकिन 287 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं, यानी कि बीजेपी बहुमत से आगे का आंकड़ा जो है वो इस बार 2024 के चुनाव में पार करती हुई नजर आ रही है, अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो। अब अगले साल चुनाव है 2024 में, होगा क्या ये तो आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा वो भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है, और मोदी के बाद अगर 2029 में कोई और होगा तो वो गृह मंत्री अमित शाह होंगे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।